नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना राजद्रोही। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी अक्सर आपने देखी होगी और ये मनमुटाव बहुत पहले से चला आ रहा है। दिल्ली सरकार कोई भी फैसला करती है, कोई भी फाइलों को लेकर जब एलजी से मिलने जाती है, तो केजरीवाल ये कहते हैं कि एलजी कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते और अक्सर उनके काम में बाधा डालते हैं। और एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से भी ये कहा जाता है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो नुमाइंदे हैं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, कई बार मर्यादाएं लांघ देते हैं और जो गरिमा का ख्याल रखना चाहिए बातचीत के दौरान उसका ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि शुक्रवार को जब बजट सत्र के दौरान एलजी का संबोधन हुआ तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ की और उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कई बाधाएँ सामने आती हैं, उसके बाद भी दिल्ली सरकार बेहतरीन काम कर रही है और दिल्ली सरकार तमाम रुकावटों के बाद भी अपने काम को नहीं रोकती है। और इसी बात की तारीफ करते हुए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि एक बात कहना चाहता हूँ जो एक पेड़ ने हवा के लिए कही है, वो मेरे पत्ते रोज़ गिराती है पर उससे मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं होता। यानी केजरीवाल के साथ अनबन उनकी चलती रहती है लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता क्योंकि जनता से सरोकार है और जनता के काम करने के लिए दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। साथ ही इस पर सीएम केजरीवाल ने भी जवाब दिया। उनका कहना है कि मैं जानता हूं कि लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार को, क्योंकि जनता ने चुना है, दिल्ली की 2 करोड़ की जनता सरकार पर भरोसा करती है, लेकिन सरकार को जब उनके हिसाब से काम नहीं करने दिया जाता तो अक्सर इस तरह की बात हो जाती है और ये मनमुटाव हो जाता है। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल विनय कुमार सक्सेना को लेकर, एलजी को लेकर ये कह चुके हैं कि इतना तो मेरी बीवी मुझे नहीं डांटती है जितना कि एलजी साहब मेरी क्लास लेते हैं। तो ये टकराव तो चलता रहेगा क्योंकि सरकार की ओर से भी जो तमाम फैसले होते हैं, बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो खुद फैसला सरकार कर सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर एलजी का हस्ताक्षर होने ज़रूरी है या एलजी की सहमति होनी ज़रूरी है। और ऐसे ही कई मामलों को लेकर कई बार टकराव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। लेकिन जो दिल्ली के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को देखा गया नज़ारा, वो वाकई दिलचस्प है और इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों की जो बॉन्डिंग है, केजरीवाल और एलजी की, वो सुखद हो सकती है और ये अच्छे संकेत हैं। बहुत दिन बाद ऐसे संकेत देखने को मिले हैं क्योंकि इससे पहले भी जो एलजी थे उनके साथ भी केजरीवाल की बात नहीं बनती थी और नए एलजी भी जब से आए हैं तब से कई मुद्दों को लेकर मनमुटाव हो चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो बॉन्डिंग है, जो एक दूसरे की तारीफ करते हुए एलजी और केजरीवाल दिखाई दिए हैं, क्या ये आगे भी सिलसिला चलता है या फिर से किसी नई बात को लेकर टकराव होगा।